Thank you. Show also doing a very well, highest TRP urban and rural area. What do you want to say regarding that? आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने इतना प्यार दिया है और बिकॉज उनका वो जो इंतज़ार था, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भी इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी हम लोग टीवी पे वापस आएँ और बहुत ही प्यार दिया है सब ने और टचवुड शो इज़ डूइंग वेरी वेल सो थैंक यू सो मच. ये सवाल उनसे पूछो जिनकी शादियाँ नहीं हुई. मेरा क्या है, मेरा हो गया अभी काम. अब मैं अभी तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं स्पेशल क्या करने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है. एक्चुअली हम लोग शूट ही कर रहे हैं उस दिन भी, पर कोशिश करेंगे कि मैं भी थोड़ा रोमांटिक हो पाऊँ. ऑन स्क्रीन तो बहुत रहता हूँ लोगों के साथ, तो अपनी बीवी के लिए भी अगर कुछ स्पेशल कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा. मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर एक्चुअली, सो वो तो मैं हूँ ही. थैंक यू. मैंने हमेशा उसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि टाइगर जो सो रहा है, फिर जब टाइगर उठेगा ना तो फिर सब चूहे हुए भाग जाएंगे, इधर जंगल से भाग जाते हैं. टाइगर जो सो रहा है, फिर जब टाइगर उठेगा ना तो फिर सब चूहे हुए भाग जाएंगे, इधर जंगल से भाग जाते हैं. तो वो ही शुड कम बैक एंड आप सब लोग उसके लिए विश करिए कि हाँ चूह बहुत होते हैं यार इधर हमारे चूह बहुत होते हैं यार इधर हमारे हम भी निकलते हैं. हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. जो भी नाराज़गी होगी सुनील की ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में. दोस्ती है दोस्तों में. हाँ फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत वैसी ग्रेट रेटिंग नहीं आई होंगी जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत वैसी ग्रेट रेटिंग नहीं आई होंगी जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. हाँ नहीं देखिए क्या है, मैं खुद चाहता था कि हम लोग सब साथ में आए. हम लोग सब साथ में कॉमेडी सर्कस हम लोगों ने 8 साल चलाया टेलीविज़न पे, एक हिस्ट्री बन गया. कॉमेडी सर्कस जैसा शो वापस बनना मुश्किल है. तो लोग साथ में बहुत पसंद करते थे. मैं अलग हो गया था. मैंने हमने बचाओ बचाओ ड्रामा कंपनी आप लोग आए थे वो किया, वो हमने थोड़ा बहुत जितना खींचना था खींचा. तो अब क्या है कि अब खींचने वाला काम नहीं, अब टाइम नहीं है लोगों के पास. अब हम चाहते थे कि ऑन स्पॉट एक सक्सेसफुल बैंग ऑन हिट शो होना ही चाहिए. तो बैंग ऑन हम सब साथ में आ गए तो उसका मज़ा ही फ्लेवर ही. आप लोग हमारे वन ऑफ द नंबर वन शो चल रहा है. और ये तो होता है कि ना पहला एपिसोड की आ जाती है उसके बाद फिर डाउन हो जाता है. हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉपर जा रहे हैं अभी तक. हमारी TRPs आर नंबर वन शो कपिल शर्मा शो और मज़ा बहुत आ रहा है लोगों को भी. हम मुझे ऑडियंस मिलती है वो अलग बात है कि चलो हम मैंने अपने शोज़ किए भारतीय और मैंने अलग किया, लेकिन अब हम सब एकजुट हो गए. तो अब हमें कोई ईगो हैसल नहीं था कि कपिल नाम है शो का या कुछ. कपिल बहुत टैलेंटेड है, जो जो करता है वो कोई भी नहीं कर सकता. आई थिंक अभी हम सब साथ में जुड़ गए, अलग ही फ्लेवर मिल रहा है लोग. कि आप और भारती एक शो लेके आ रहे हैं जो कपिल के शो को रिप्लेस कर रहा है, इज इट ट्रू? नहीं मैं हम लोग उसके शो को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बट लास्ट अभी मेरा ड्रामा कंपनी कर रहा था तो अभी जनवरी में ख़त्म हुआ है. तो वी आर प्लानिंग अ न्यू शो ना. तो अभी चक्कर ये हो गया कि हमारी और मेरी भारती की प्लानिंग तो 2 महीने से चल रही है. अब मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ पंगा हो जाएगा और स्लॉट खाली हो जाएगा. मुझे तो था कि वो नया शो चलेगा. तो चक्कर क्या है कि जब भी हम कोई शो लाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है. जब हम लोग
लाइव ओके पे वो छोटा शो करते थे हम लोग कॉमेडी क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हमें था कि हमको कोई बड़ा शो करना चाहिए, वो भी अच्छा। कमाल की एक चीज़ है कि इनके साथ हाँ हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि हर शो की शुरुआत हमने इन्हीं के साथ की। मीका पाजी बचाओ, कोई आने को तैयार नहीं था कि बचाओ में कैसे होगा, और मीका पाजी ने आए, मीका पाजी और सोहेल भाई इन्होंने सपोर्ट किया, फिर सलमान भाई आए तो हमारा शो चला। तो जब भी हम कोई चैनल पर जाते हैं वो खुद स्लॉट खाली करते हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो अभी भारतीय मुद्दा चल रहा है कपिल शर्मा का, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं उन पर। मैं आपको बताऊं कि मैं काफ़ी टाइम से कपिल से टच में नहीं था, लेकिन इस बार बिकॉज ही मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द ही इज़ अ नंबर वन स्टैंड अप कमेडियन इन इंडिया, और मैं हमेशा से कहता हूँ उसका मैं फ़ैन हूँ। और इस बार मैं बहुत डिप्रेस हो गया था जब मुझे पता चला, मैं बहुत अपसेट था। मैंने फर्स्ट टाइम उससे 5 साल बाद बात की, इस बार मैंने आई कॉल्ड हिम और वो भी काफ़ी अपसेट था। तो आई थिंक एक एक्टर जब फेजेस आते हैं ना लाइफ में ऊपर नीचे, तो कभी कभार इंसान से गलतियाँ हो जाती, मैं ये कहना चाहूँगा। और आई थिंक कपिल को अभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, लोगों को भी। वो ऐसे स्पेस में है ना कि जब गलत स्पेस में आदमी कभी कभार कुछ गलत बोल देता है, कभी कभार गलत रिएक्ट कर देता है। ही इज़ अ वंडरफुल गाय, ही इज़ अ गुड पर्सन। मीका पाजी का भी दोस्त है और बहुत अच्छे, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग, फैंटास्टिक एक्टर। बट आई थिंक वो फेज़ ऐसा आ गया कि वो उस तरीके से उससे गलती अगर हो रही है, मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। इसके अलावा सर, फाइनली सर, इसके अलावा सब ठीक है। आप नॉर्मली जाने जाते हैं हमेशा के लिए कॉमिक के लिए, कपिल शर्मा का न्यू शो आ रहा है देखा जाए तो फैमिली टाइप, तो उसमें क्या आप दिख सकते हैं वापस? हाँ आप दिखेंगे? देखते हैं, चलिए मैं मिलते हैं मुलाकात देखते हैं चलिए मैं मिलते हैं मुलाकात मैं इस शो का भी मैं इस इशू का भी हिस्सा नहीं हूँ, हिस्सा नहीं हूँ, बट या थैंक यू। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली, आई लव हिम, और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। मैं खुद सुनील को जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं, एक मैं उनका वहाँ पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं, बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो। तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, चीज़ें ऐसी कुछ हो गई मुझे, मैं इतना इरीटेट हो गया था कि शो, मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ, खुल के जाना चाहता हूँ एक्चुअली, मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत ख़राब था। ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो, जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे उनकी डेथ हो गई। मान साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे, और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से, मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फ़ोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं, तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई। मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ, तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहाँ पे कट पैकअप हो गया, अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था, तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई। सो मुझे, मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय, तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली। उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफ़ी डिले हो रहा है बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी का दिमाग क्यों ख़राब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला, तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे नुकसान फायदा नहीं तब समझ में आता, हम नॉट अ बिजनेसमैन। हम लोग चले गए, जब शो शुरू होने वाला था एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, सब मेरे पास आती है, हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पे टैकल करना चाहिए। तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियाँ दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज़ क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे। तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला ख़त्म हो गया।
उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, और उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था। मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो, मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव क्योंकि मुझे आदत है। ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए। उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग मेरे को भी नहीं मिला, मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले मैं सॉरी बोलूं, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियां दे दी जो भी, फिर वो मुझे मिला ही नहीं। फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तब तक नहीं मुझे मिला, 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी, उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में। तो सुनील भी था, वो वर्ड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों, पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूं, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता मुझे खाली इतनी मुझे वो शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है। पर अगर मेरी जगह सुनील होता तो मैं एक बार जाके जरूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, तो शायद कुछ भी नहीं होता। पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम। अच्छा मैं वैसे मेरा अभी मेरे से सवाल किया नहीं गया, वैसे ये भी था राजीव भी कॉम्प्लीमेंट्री लेके गया मैं इसको, मैं उसी जगह पे बैठा होता हमारी टीम के मेंबर पीछे बैठे हुए हैं, बहुत लोग वहां पे थे, प्रेशर बहुत था मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली। और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ, और भी सवाल होंगे, आपने शाहरुख भाई को सेट से लौटाया है ना, बड़ी खबरें आती हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो आप कुछ भी लिख देते ना कई लोग, अच्छा एक आदमी कोई लिखता है, मुझे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कुछ बोला शायद, एक आदमी अगर कोई ऐसी न्यूज लिखता था ना सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, सूत्रों के अनुसार, और वो आगे दूसरे वाले भी वहां से उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने सर एक्चुअली जेन्युइनली मैं जब लैंड किया ना, आया मैंने एपिसोड शूट किया वापस, फिर यहां से राजस्थान की फ्लाइट ली जयपुर, जयपुर से 6 घंटे बाय रोड, मैं सोता नहीं था सारी सारी रात, इतने प्रेशर में काम कर रहा था। मैंने सारी न्यूज जब मेरी फिल्म का वाइंड अप हो गया, मैंने 2 महीने बाद देखनी शुरू की, कम से कम 1000 न्यूज होंगी, किस कोई दिखा रहा है ये है कपिल के 2 दुश्मन शनिदेव और जैक डेनियल की बोतल, कोई ये बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, यार दुनिया में सब इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि अगर मेरा कोई पीआर नहीं, मैं आपको सच्ची में बताऊं मैंने जिंदगी में कभी कोई पीआर नहीं रखा, मुझे ये प्रोसेस ही नहीं पता था। ये पहली बार जब फिल्म की ना मैंने किस किस को प्यार करूं, तब इन्होंने कहा कि ऐसे पीआर टीम आएगी, तो मैंने कहा अब्बास भाई वो मतलब क्या हिसाब किताब होता है, कहते वो आपकी तरफ से ऐसे फिक्स करेंगे मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। मैं कहा अच्छा, मैं खुद ही करता रहता हूं, मुझे ना कभी कुछ सोशल नेटवर्किंग चलानी आती, एक ट्विटर आता है उसके भी पंगे पड़े रहते हैं, तो मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव, पर मैं जैसा हूं अभी नहीं चेंज हो सकता ना मैं तो, पर हाँ दिल का मैं बड़ा साफ। मेरी बात बीच में थोड़ी रह गई, मैं बात कर रहा था कि हमारी टीम के मेंबर भी वहां पे कुछ थे पीछे बैठे हुए, मैं भी था उधर, वहां पे बहुत लोग थे। भरत भाई आप होते तो शायद झगड़ा नहीं होता, कल भाई सोते रह गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ भाई बहनों में, आप भी सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों की लड़ाई होती होगी, दोस्तों की, माँ बहन, बेटा भाई सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो जूता मारना, ये बातें, ये इस बारे में किसी टीम ने, मुझे बड़ा दुख लगा, इतनी अच्छी टीम थी, इतनी फैमिली, किसी ने आके ये नहीं बोला कि ये गलत बात है, ये र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये इन चीजों को ज्यादा दुख लगता है कि आप किसी को रातों रात विलेन बना देते हो। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था, मैं क्या दूसरी फ्लाइट से कूदा था, उसी फ्लाइट में तो था मैं। तो ये सब मनगढ़ंत स्टोरियां जब बनाते हैं लोग, फिर बड़ा दुख लगता है, फिर लगता है कि यार ठीक है, पर अब तो क्या मुझे करें? तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोई वैसे कभी बात होती है तो कि जूते कपिल इतने महंगे पहनता है तो नहीं, उसमें पहने थे, उसमें जुराबे पहनी थी जो फ्लाइट वाले देते हैं। सॉरी, हाँ अच्छी अच्छी बातें कर मेरे बारे में, दूसरी फिल्म दूंगा। किसी टीम मेंबर ने ऑन स्टेज टीम से, कपिल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसी ऑन स्टेज टीम मेंबर ने ये आके प्रेस के सामने नहीं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं सच में बोलूं, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था तब, तो मैं एक्चुअली सच बताता हूं अपने बारे में, ठीक है हम लोग पीपू लेते हैं, पर मैंने फिल्म जब के लिए जब फिट होना था मैंने बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था। और इवन सोनी की सक्सेस पार्टी थी, सोनी टीवी की, हमारे शो की एक्चुअली, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो भी हमारे बॉस, सब ने मुझे कहा कि ले लो, मैं कर नहीं, मुझे वेट लूज करना है। 10-12 किलो वेट लूज किया, और सडनली 10-12 किलो चर्बी आप निकाल देते ना,
उसके बाद दो ड्रिंक मार दो, वो चार जितना नशा कर दिया, तो काम उसने खराब किया। दूसरी एक और बात, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था उस इंसिडेंट के बाद। मैंने जब ये सारी न्यूज़ देखी कि क्या क्या मेरे बारे में बोला गया है, कहा गया है, किन लोगों ने कहा है मुझे नहीं पता, पर क्यों कहा है न्यूज़। आज मुझे एक चीज़ और का भी दुख है, नेगेटिविटी एक्चुअली बिकती भी है, जो लोग का ये सच्चाई भी है, पर मैं लिटरली मुझे एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे। मुझे मुझे प्यार है अपनी टीम से, मैं मिस करता हूँ उन चेहरों को, मुझे जब नहीं दिखते सामने तो मुझे मुझे आदत है कि मैं एक किसी चीज़ से जुड़ाव हो जाता है, मैं अलग नहीं हो पाता हूँ, अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद फिर मेरा ऐसा हुआ जैसे लोगों ने बनाया कि शाहरुख सर को सेट से लुटाया। छोटी छोटी बातें मैं खुद ही बोलना चाहता हूँ इससे पहले कि आप पूछें। शाहरुख भाई 7 बजे सेट पे आने वाले थे, मैं दोपहर को 2 बजे पहुंचा था, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। 7 बजे आने वाले थे और बगल वाले सेट पे शूट कर रहे थे। 8 बजे मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा। मैं सारे अपने बारे में खबरें पढ़ चुका था, एक शूट कैंसिल, दो शूट कैंसिल, 3, 4। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग खबरें फैला देते हैं, जैसे अनिल कपूर सर आए थे तो उनको लगा कि नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा, ठीक है। सपोर्ट भी बहुत किया, शाहरुख भाई दोबारा मुझे मिलने आए, ऐसे मुझे मेरे बारे में बोल दिया गया कि उसको नाराज लौटाया, वो दोबारा मुझे मिलने आए अगले दिन, जब नेक्स्ट डे मैं उसके बाद नेक्स्ट शूट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तू रेस्ट लेनी है रेस्ट ले, तुम अपना थोड़ा माइंड सेट कर। मैंने सोचा कि मुझे रेस्ट चाहिए शायद, मैंने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं बैंगलोर चला गया, बैंगलोर जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किया कि मैं वो करते हैं पहली बार, मैंने पहली बार किया। उसके बाद वापस आया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बहुत पीना शुरू कर दिया मैंने। क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, मैं मुझे हैंडल नहीं करनी आती कई चीज़ें, बिकॉज हर आदमी में हर कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि अभी 3 महीने मुझे और रिकवरी में जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपसेट भी था। मेरा दिल भी नहीं करता था एक्चुअली, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं आके बात करूं या ट्विटर पे किसी को रिप्लाई कर दूं। फिर एक बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब बदल दी जाती हैं, बड़ा दुख लगता है। किसी ने मुझे पूछा कि आपने सुनील के साथ लड़ाई की थी, मैंने कहा हाँ गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं डांट रहा हूँ अगर किसी को अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। फ्लाइट में हम लोग, वो भी शायद पूछ लेता तो मैं शायद उसके साथ शेयर कर लेता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। उसने भी चिल्ला दिया मेरे ऊपर, ठीक है वो कंसर्न था मेरे लिए, पर मैं इतना अपसेट हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। सो अभी भी रिकवरी में मुझे 2-3 महीने लगेंगे, पर हाँ फाइनली ये मेरी फिल्म जब बन गई, कंप्लीट हो गई, तो ये लोग रोज़ मुझे आते थे मिलने। मेरे ऑफिस में मैंने अपने आप को लॉक किया हुआ था, कहते उठ तूने मर्डर नहीं किया, उठ बाहर चलते हैं। मुझे ऐसे लगने लगा सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे तो हमेशा आदत है कि सबसे मिलना ऐसे ही है, पर हाँ व्हाटएवर। ये कपिल के दिल की इनोसेंस है, और कोई दिल का हाल इतना बयान कर दिया कि शायद कोई भी बहुत मैनिपुलेटिव आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता। आई थिंक जैसे दिल का हाल वो बोल दिया, मैं ये पी लिया वो पी लिया, नहीं तो आदमी बोलता नहीं नो नो। तो मेरी पीआर क्यों नहीं संभालता